पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर उनको जमकर घेरा और कुछ दिन पहले स्कूटर चलाने की तस्वीरों के बहाने उन पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने टीएमसी को बुआ भतीजे की पार्टी बताया। मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है, अरे दीदी आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सब कुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से हमारे साथ अरुण हैं, तो वहीं हमारे दूसरे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बड़ी बात जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रैली के दौरान कही गई, उन्होंने कहा कि टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है और अब विकास की राह पर बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे इशारों में यह भी कहा कि नंदीग्राम में ही ममता ने खुद अपनी हार तय कर ली है। ये इशारों में जो पीएम की तरफ से दावा किया गया है, तो क्या मान लिया जाए कि अब नंदीग्राम ही बंगाल का भविष्य तय करेगा, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से नंदीग्राम ही बंगाल में राजनीतिक जो भूचाल आया है भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद, उसके बाद नंदीग्राम ही सियासी तापमान तय करेगा। और इस पूरे चुनाव में आप देखिएगा, सबकी नज़र नंदीग्राम पर ही होगी, क्योंकि सबसे हॉट सीट वही है। उसकी पहली वजह तो ये है कि भवानीपुर छोड़ करके ममता बनर्जी नंदीग्राम गई, और नंदीग्राम जो सीट है उस पर 35% मुस्लिम आबादी, जिसको लेकर दिलीप घोष ने भी निशाना साधा, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि स्कूटी उनकी वहीं पर गिरना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, नंदीग्राम से जो ममता बनर्जी चुनाव वहाँ से लड़ रही हैं, तो सारे ताकत, सारे रिसोर्सेज, सारे नेता वहीं पर झोंकेगी बीजेपी। उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी स्टार प्रचारक हैं पार्टी के लिए, और नंदीग्राम में अगर उनको रोक दिया जाए, वहीं पे कन्फाइन कर दिया जाए, नंदीग्राम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार करना पड़े, तो उसका मतलब होता है कि 294 अन्य सीटों पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगी, मेहनत नहीं कर पाएंगी, और सबसे बड़ी नेता वही हैं, तो इसलिए कोशिश ये है कि नंदीग्राम में ही उनको रोका जाए। और ये बीजेपी की रणनीति भी है, शुभेंदु अधिकारी को लाना भी इस रणनीति के तहत है, मिथुन चक्रवर्ती भी जहाँ तक मेरी जानकारी प्रचार करने जाएंगे, और बीजेपी के सारे बड़े नेता नंदीग्राम में जा करके ममता बनर्जी को घेरने वाले। बिल्कुल, और हम लौटेंगे आपके पास, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जरा बताइए, क्योंकि सीबीआई के शिकंजे पर टीएमसी के कई नेता हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी और एसपी रैंक के जो अफसर हैं अंशुमान साहा, उनको कोलकाता सीबीआई दफ्तर में तलब किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा, घोटाले का मुद्दा, और किस तरीके से अफसरशाही का राजनीतिकरण कर दिया गया है, ये बात लगातार हर मंच से बीजेपी के तमाम बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली के दौरान कह चुके हैं।
जी हाँ बिल्कुल, कैटल स्मगलिंग के मामले में जो डीआईजी और एसपी उनको तलब किया गया है, कोलकाता सीबीआई ने तलब किया है। इस पूरे मामले में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर दी गई है, लेकिन लगातार अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी मामले में विनय मिश्रा जो कि अभिषेक बैनर्जी जो कि डायमंड हार्बर से सांसद है और ममता बैनर्जी के भतीजे हैं, उनको उनके काफ़ी करीबी हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। विनय मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए पिछले दिनों कई जगहों पर सीबीआई ने रेड भी किया था। तो फिलहाल विनय मिश्रा इस मामले में पूरी तरीके से अब वो भी एक आरोपी है। तो सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में कैटल स्मगलिंग मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। हालांकि इसी पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अभी क्यों बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, जबकि पहले क्यों नहीं बुलाया गया था। अब जब चुनाव सामने हैं तब एक स्ट्रैटेजी के तौर पे सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर बीजेपी, लेकिन जब सीबीआई के अधिकारी से ऑफ कैमरा बात होती है तो वो कह रहा है कि उनका इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले पर जारी है और जब जब उन्हें कोई सबूत मिलता है, कोई एविडेंस मिलता है, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो आरोपी होती हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है। और जिस तरीके से एसपी और डीआईजी को बुलाया गया है तो जाहिर तौर पर सीबीआई को कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा, उन क्लू को और खंगालने के लिए यहां पर एसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जी लौटेंगे अमित आपके पास। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी ने जिस तरीके से हुंकार भरी और कहा कि लोकसभा में टीएमसी हाफ हो गई थी और इस बार पूरी तरह साफ हो जाएगी, पीएम ने लोगों से बिना डरे वोट डालने की अपील की। रैली में पीएम ने बंगाल चुनाव के लिए नया नारा भी दिया है, जोर से छाप टीएमसी साफ। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप, ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है।